सख्ती अब उन पर भी हो रही है जो बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं। खबर आपको राजधानी भोपाल से बताते हैं, जहां बिना मास्क अगर आप सड़क पर मिले तो अब आपको एक अनोखी सजा दी जाएगी। आपकी ड्यूटी 2 घंटे के लिए सड़क पर ही लगा दी जाएगी, यानी आपको वॉलंटियर बना दिया जाएगा। गली गली घूमकर 2 घंटे तक आपको ये ड्यूटी करनी होगी। दूसरे मास्क वालों को जो नाम मास्क नहीं लगाए उन्हें तलाशना होगा, उन्हें मास्क देना होगा। चलिए रुक करेंगे संवाददाता आकर्ष की तरफ। आकर्ष, क्या कुछ वजह है इस तरह की सजा रखने की? क्या सीख दी जा रही है उनको, और ताकि उन्हें याद रहे कि हम पिछली बार मास्क बिना लगाए निकले थे तो 2 घंटे तक सड़कों गलियों में भटकना पड़ा था? साफ तौर पर सोहेल, ये एक प्रकार की सीख ही है कि फाइन लगाने से बेहतर है कि लोगों को पहले जागरूक किया गया, उसके बाद मास्क वितरित किया गया, और अब 2 घंटे की वॉलंटियर बनाकर कहीं ना कहीं सड़कों पर उनको घुमाया गया। तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जब वो दूसरे लोगों को भी जागरूक करेंगे, सड़कों पर रहेंगे, तो वो देखेंगे कि किस तरीके से पुलिस के जवान हो, स्वास्थ्य कर्मी हो, किस तरीके से कोरोना वॉरियर्स काम करते हैं। इसी तरीके से उनको भी 2 घंटे का ड्यूटी लगाई गई, तो साफ तौर पर अगली बार से वो इस तरीके से गलती नहीं करेंगे और मास्क के और जो कोविड के नियम उनका पालन करेंगे। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर खुद सड़कों पर उतरे थे और उनके बाद इस तरीके तो नए नवाचार चीज में किए जा रहे हैं, इसी कड़ी में इस तरीके का किया गया भोपाल में। जरूर इससे लोग सीखेंगे और आगे इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो चलिए, पुलिस लगातार नवाचार करती रहती है और ज्यादातर उसकी कोशिश यही है कि लोग खुद से सीख जाएं इस बात को कि मास्क लगाकर निकलना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। दरअसल 100, 200, 500 रुपए भरने के बाद भी इंसान उस बात को लेकर सीरियस नज़र नहीं आ रहा कि दरअसल ये मास्क लगवाया क्यों जा रहा। तो अब पुलिस को ये नया तरीका सूझा है, जो बिना मास्क वाला मिले उसको पकड़ो, उसके चेहरे पे मास्क लगाओ और पुलिस के साथ उसकी भी 2 घंटे के लिए ड्यूटी लगा दो। वो भी देखिए कि पुलिसकर्मी स्वास्थ्यकर्मी किस तरह से ड्यूटी निभाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं मास्क लगाने के लिए।